बड़नगर तहसील के सिलोदिया गांव में ग्रामीण जनों के द्वारा मांग की जा रही है कि गांव के मुक्तिधाम को सुधारा जाए, क्योंकि यह ग्रामीण बेहद परेशान है। मुक्तिधाम में आने जाने के लिए रास्ता नहीं है, साथ ही मुक्तिधाम में कोई व्यवस्था भी नहीं है, जिसकी वजह से शव का अंतिम संस्कार करने के लिए होते हैं परेशान। कई बार रास्ता नहीं होने की वजह से मृतक शव का दाह संस्कार करने में आती है परेशानी और बेहद समस्या। लिखित में ग्रामीणों ने कई बार समस्या बताई है, साथ ही जनप्रतिनिधियों को भी अपनी समस्या बताई, पर मुक्तिधाम पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार की राशि खर्च करके विकास के कार्य नहीं किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से यह ग्रामीण चिंतित और परेशान है और मांग कर रहे हैं कि हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो मुक्तिधाम है वहाँ पर विकास के काम हो, ताकि हमारी समस्या का निदान हो सके। दादा बताइए, क्या नाम है आपका? करण सिंह। चरण सिंह जी, ये कौन सा गांव है? करण सिंह। कौन सा गांव है ये? मुगावदी। मुगावदी, बताइए ये जो शमशान घाट की जमीन है, किन्ने दी थी और कब दान करी थी ये? शंभू सिंह ने। शंभू सिंह जी ने? हाँ। कितनी जमीन दान की थी? जाने में कई पाँच हिस्सा करीब। अच्छा, कितना समय हो चुका है इसको दान किए हुए? तीन साल हो गए। तीन चार साल हो चुके हैं। तीन चार साल हो चुके हैं जमीन को दान, फिर ये क्यों मुक्तिधाम नहीं बना रहे पंचायत और अधिकारी क्यों ध्यान नहीं दे रहे, क्या है? अब ये क्यों ध्यान नहीं दे रही है तो सरपंच और मंत्री जाने सर। अच्छा, बोला कि हाँ आ रहे, होगा होगा, इंतजार कर रहे हम तो। अब किस प्रकार से दिक्कत आती है, क्या परेशानी आती है? यहाँ जावाना नहीं तो रस्तों है। हाँ। नहीं वहाँ अभी वहाँ अभी जाए देखो, नहीं मुक्ति धाम में ऊपर कणो है, वहाँ वहाँ जलावन जगह नहीं है, पानी पड़े तो आस पास लोग आए हुए लेन जा ही रहे हैं। अच्छा, सारे लोग परेशान होते हैं। सारे लोग परेशान हो जाए कि वहाँ अभी अभी जाए नहीं स्थिति। बैठवानी जगह नहीं है, वाहन जावन जगह नहीं है, पैदल नहीं जा सके आदमी। दादा बताइए, क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मोहन सिंह जी, कहाँ रहते हैं आप लोग? यहीं रहता हूँ, मुगावदी। मुगावदी गांव में। ये मुक्ति धाम पे किस प्रकार से परेशान होती है आप लोग और किस प्रकार क्या दिक्कत आती है? सब मुर्दा ने जलावन ले जाओ तो बहुत दिक्कत आवे, वहाँ रास्ता नहीं है, रास्ता नहीं है वहाँ। अच्छा। हाँ। और क्या समस्या आती है? वहाँ बैठवाने जगह भी नहीं है। अच्छा, क्यों काम क्यों नहीं करवाएगा? यहाँ पर साफ सफाई वगैरह है, बैठक व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, क्यों कुछ भी नहीं कर रही है? मंत्री साहब, सरपंच साहब, नहीं सुनवाई हो रही? सुनवाई नहीं कर रही। फिर कहाँ जलाते हैं आप लोग? आए आस पास जगह, जान जगह देख लो, साफ सफाई जले जा। अच्छा, सारे लोग परेशान हो रहे हैं। सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जमीन दान कर दी, इसके बाद भी काम नहीं करवा रहे? हाँ, वो काम नहीं करवाई जाएगा। आपने बोला नहीं इस बारे में कि काम करवाइए यहाँ पे साफ सफाई? मौके पे द रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट।